संत परमहंस पे आप क्या कहेंगे, जल समाधि लेने वाले थे? कौन? संत परमहंस, तिलुकर वाले बाबा। अरे यार वो भोसड़ी वाला, मैं तो वो सोच रहा हूँ वो शाहरुख खान को मारने चला था, पठान को फ्लॉप कराने चला था, इतना साल बीत गया, मतलब अब होने आया सब। वो बंदा फिर आएगा बोलेगा नहीं मैं खोज रहा हूँ। अरे भोसड़ी पूरी दुनिया जानती थी कहाँ रहता है वो। ऐसे चूतियों का नाम लेके ना सर, बस इनको नेम फेम चाहिए। उस दिन देखा वो नेपाल से प्रभु श्री राम की शिला आई थी, उसका विरोध कर रहे थे कि नहीं वहां का शिला का हम विरोध करेंगे। बताओ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसमें जो शिला बनाई जा रही है नेपाल से, उसका विरोध कर रहा है। तो इन चूतियों का कोई भरोसा थोड़ी है किसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इनको लगता है कि बस हमारे पास सारी मीडिया का माइक होना चाहिए, हम दिन भर टीवी पर बैठे रहना चाहिए, तो कुछ भी हक दें। और सबसे बड़ी बात, जिस मुसलमानों को जिहादी मानसिकता और विधर्मी कहता है, एक हमारा दोस्त है पीआरबी न्यूज चैनल का दानी संसार, वो गया था उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसको पूछा कि नहीं हम मुसलमानों को इंटरव्यू नहीं देंगे, अच्छा कितने सब्सक्राइबर है तुम्हारे चैनल पे? बोला सर 2 मिलियन है। बोला अरे तू मेरा भाई है, और छोटा सा क्लिप बना के बोलता है कि दानी संसार भाई के पीआरबी चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तो दोगलापन है। इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमान इस देश में नहीं चाहिए। और अगर उसी मुसलमान का 2 मिलियन सब्सक्राइबर है तो भाई साहब उसके टट्टे भी सहारे थे। विनय जी, पठान का विरोध करते करते जो है अनभक्त परेशान थे, इसी बीच जो है जवान आने वाली है और अनभक्तों ने कमर कस लिया है कि इस बार जो है पठान तो हिट हो गया लेकिन वो जवान फिल्म को हिट नहीं होने देंगे, क्योंकि उसमें जो है अनभक्तों के हिसाब से जिहादी शाहरुख की मूवी आ रही है और किसी कीमत पे उसको हिट होने नहीं देंगे। हाँ वो सुन लीजिए, अच्छा लगा सुन के कि ऐसा कसम खा रहे हैं। इनके बाप ने भी कसम खाई थी कि पठान को हिट नहीं होने देंगे, थिएटर में कुत्ता नहीं जाएगा। 1,000 करोड़ पार करवा दिए सर। मैं अगर ये विरोध कर रहे हैं तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ सर्टिफिकेट पे, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, कि पिक्चर हिट हो जानी है। ये अगर विरोध करना बंद कर दे पिक्चर फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाएं। आप क्या बात कर रहे हैं, आपने देखा नहीं कितने बाबा लोग जो है जमीन पे उतर गए थे? एक स्वामी परमहंस है जो अयोध्या के बहुत बड़े बाबा है, उन्होंने शाहरुख खान का चमड़े उतारने की बात की। इतने बड़े बाबा हैं, इतने बड़े एक्चुअल क्या, वो ट्राइपॉड रख के ना यूट्यूबर बाबा है, वो लगा देगा कैमरा, सुनो मैं खोज रहा हूँ। वो बताओ यार, वो बंदा साधु संत है, हमारे साधु संत क्या होते थे? लोभ माया काया सब छोड़ छाड़ के केवल भक्ति आध्यात्मिक काम, लेकिन उसको चाहिए टीआरपी। वो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है भाई साहब, ट्राइपॉड, कभी उसका इंटरव्यू देखेंगे ना, बगल में ट्राइपॉड उसके आश्रम में रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जिस मुसलमानों को जिहादी मानसिकता और विधर्मी कहता है, एक हमारा दोस्त है पीआरबी न्यूज चैनल का दानी संसार, वो गया था उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसको पूछे कि नहीं हम मुसलमानों को इंटरव्यू नहीं देंगे, अच्छा कितने सब्सक्राइबर है तुम्हारे चैनल पे? बोला सर 2 मिलियन है। बोला अरे तू मेरा भाई है, और छोटा सा क्लिप बना के बोलता है कि दानी संसार भाई के पीआरबी चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तो दोगलापन है। इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमान इस देश में नहीं चाहिए। और अगर उसी मुसलमान का 2 मिलियन सब्सक्राइबर है तो भाई साहब उसके टट्टे भी सहारे थे। दानिश भाई ना पैंट खोल के बैठे थे और वो साहब लहरा रहे, तुम मेरा बच्चा तुम मेरा बेटा। फिल्मों की बात चल रही है, अभी फिल्म एक आई थी आदि पुरुष, जिसमें भगवान श्री राम की, भगवान हनुमान जी की काफ़ी ज़्यादा मतलब बेइज्जती की गई है और एकदम उनको गंदे नज़रिए से दिखाया गया है। लेकिन यही बाबा जो पठान फिल्म में एक रंग से इनकी भावनाएं आहत हो जा रही थी, वो खामोश नजर आए, कहीं नजर ही नहीं आए। वो चमड़ी उधेड़ रहता है शाहरुख खान का, यहाँ पर मनोज मुंतशिर के ऊपर तो कुछ नहीं स्टेटमेंट आया। यहाँ पे कोई मुस्लिम हीरो थोड़ी था, वो सैफ अली खान और उसको रावण बना दिए थे, तो कुछ भी चल जाएगा भैया। आप इसके मनोज मुंतशिर जो था, इनका एम क्या था? इनका एम भारत के स्वर्णिम इतिहास को, रामायण को अलग तरीके से प्रस्तुत करना नहीं था। इनका एम था कि भैया देखो हम लोग भगवान के नाम पे मार्केटिंग करेंगे, श्री राम का गाना लगा देंगे, सारे हिंदू भाई टूट पड़ेंगे और पिक्चर देख के अरबों खरबों रुपया दे देंगे। ये ब्रेक तोड़ना चाहते थे, पठान का ब्रेक तोड़ना चाहते कि रिकॉर्ड तोड़ के 1,000 करोड़ से ज्यादा मूवी कमाएगी। चाहे अंडरबन चाहे गुरु कोई भी डायलॉग दे दो, मैं खुद मूवी देखा, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अपने बच्चों को क्या दिखाऊंगा कि ये वो माता सीता आएगी जो भैया वो सनी लियोनी बन के घूम रही है मूवी के अंदर, प्रभु श्री राम को नहीं पहचान रही है और वो बोल रहा है कि तेल तेरे बाप का, अंडा तेरे बाप का, फोड़ेंगे भी तेरे बाप का। ये सब क्या नाटक है? केवल बिजनेस प्रोपेगेंडा था, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है सनातनी भाई भी अब धीरे धीरे समझ में आ गए, वो ब्लाइंडली फेथ नहीं करने लगे। पहले एक दौर था कश्मीर फाइल आई, एक धंधा धुन जाके वहां पे पिक्चरें देखी, द कश्मीर फाइल आई उसको भी बहुत ज्यादा इन्होंने प्रमोट किया। अभी 72 हुरे आई है ना, आने वाली है, नहीं लग गई है, 7 तारीख को रिलीज हो चुकी है। तो इसको पंडित को लगा था कि हम भी जैसे द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी देख लिए ये भी आ जाएंगे। 35 लाख का धंधा किया है सर, 15 करोड़ की मूवी, आज संडे खत्म होने आ गया, 35 लाख का धंधा हुआ है, 50 लाख पकड़ लीजिए मैक्सिमम। आपको क्या लगता है चुनाव आते ही जो है इस प्रकार की प्रोपेगेंडा फिल्म कैसे आ रही है कश्मीर फाइल? ये सब पिक्चरें बनाने के पीछे जो फाइनेंस आता है वो बीजेपी पार्टी करती है। इसके इन्वेस्टर अगर आप देखोगे, इनके प्रोड्यूसर देखोगे, तो बीजेपी माइंडेड और बीजेपी कनेक्टेड है। उनको पता है कि भाई बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो चूतिया, उनको कुछ भी दिखा दो कुछ भी भेज दो वो हमारे साथ आ जाएंगे, उनको तो सिर्फ प्रमोशन ही करना है।
अगर इतना ही बीजेपी के लोगों की औकात होती, इतना ही दम होता, नरेंद्र मोदी की 2019 में बायोपिक आई थी विवेक ओबराय वाली, वो 8 करोड़ की मूवी 1 करोड़ का धंधा नहीं कर पाई। इनकी अगर इतनी औकात होती किसी मूवी को हिट कराने की, तो खुद नरेंद्र मोदी की पिक्चर फ्लॉप हुई है, विवेक ओबराय वाली काहे नहीं हिट हो गई। तो इनकी औकात की बाहर चीज है सर, बस एक चीज प्रोपोगंडा चलाया जाता है, जो फ्री का टिकट लेके जिसको नगर सेवक बनना है, अपने वार्ड में पार्षद बनना है, वो अपने लोगों को बोलता है चलो पिक्चर दिखाता हूँ, उनके लिए तो एंटरटेनमेंट है, जाके पॉपकॉर्न खा के आएंगे, उनको पिक्चर से थोड़ी लेना, फ्री का टिकट देखो तो मैं भी 5,000 लोगों को दिखा दूं सर। अगर मैं बोलूं लाइन खड़ा थिएटर के भाई किसको किसको पिक्चर देखना है, पैसा नहीं लगेगा मैं दिखा रहा, तो आप लाइन लगवा के दिखवा लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जिस प्रकार से जवान आने के बाद जवान को जो है यूए सर्टिफिकेट भी मिल गया है, यानी कि सभी तरह के दर्शक इसको देखेंगे, लेकिन जो अंधभक्त है वो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने पठान को फ्लॉप कराया था, उसी प्रकार से ये भी फ्लॉप। भाई मैं तमाम मेरे अंडुलों को, अंधभक्तों को, उन भोसड़ी वालों को निवेदन करूंगा कि हाथ जोड़ के गांड का पैंट उतार के जमीन पर रगड़ रगड़ के इसका विरोध करो भोसड़ी वालों, जब तक तुम लोग कस के विरोध नहीं करोगे जवान हिट नहीं होगी। हम लोग कितना पैसा खर्चा करेंगे देखने के चक्कर में, लेकिन जब तुम विरोध करोगे तो चर्चा में आएगी, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी, उत्सुकता जागेगी, आखिर साला विरोध काहे हो रहा है। इसी चक्कर में हस्बैंड वाइफ ने तो बच्चा तो जाके देखेगा कम से कम, और यही होना चाहिए। अगर 140 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ लोगों ने भी जाके पिक्चर देख ली, तो पिक्चर साला 300-400 करोड़ पार हो जाती है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम ना भैया, तुमको तुम्हारी माँ की कसम है, तुमको जिस बाप ने पैदा किया उसके वीर की कसम है, अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो इसका विरोध करना नहीं रोकोगे। तुम विरोध करो, हम चाहते हैं कि तुम विरोध करो, तुम इसका बायकॉट करो, ट्रेंड चलाओ, ताकि प्रमोशन इसका फ्री ऑफ कॉस्ट और पिक्चर हिट हो।